चतुर्थाधीश तो टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स, टैरो है, वी गॉट द क्रिसमस ओरेकल, वी गॉट द मून मैजिक, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है एंड करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट कि भाई आज हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है एंड दोपहर के वक्त की दिल की बातें क्या है। ओके चलो फिर देखते हैं, वी गॉट दिस वन। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छ सात एंड आठ, आठ कार्ड्स आ चुके हैं। एक और कार्ड हम लेते हैं, नौ और दस। चलो सो दो कार्ड्स आ गए, दस कार्ड्स हमने लिए हैं। देखते हैं रीडिंग क्या आती है, स्ट्रेट टू स्ट्रेट, रिवर्स टू रिवर्स कार्ड्स होगा। पहला जो कार्ड मिला है वो है सेवन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये व्यक्ति की जो भी पर्सन है ये अपना रास्ता खुद बना रहा है। ओके, हाँ आप इसको मदद ज़रूर कर सकते हो लेकिन अपना रास्ता खुद बना रहा है। कैसे? अगर इनको कोई परेशानी है अपनी मंजिल प्राप्त करने में, चाहे मंजिल कौन सी हो, चाहे जॉब में हो, यू नो कि भाई अगले हफ्ते अगर इंटरव्यू है कहीं पे, या फिर यू नो ये कहीं पे मूव होना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, कहीं पे कोई घरेलू कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो खुद हल निकालना चाहते हैं। शायद अपने कुछ फ्रेंड्स हैं उनसे भी सलाह मांग रहे हैं। और अगर हम बात करें आपकी तो आपकी भी सलाह उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट परेशानी ये कि आप बायस ना हो, मतलब आप या तो सिर्फ इनकी साइड लो या उनके फैमिली की साइड लो, आप दोनों की साइड नहीं ले सकते। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे ये एक्चुअली जानना चाहते हैं कि जब ये मुसीबत में एक्चुअली पड़ते हैं तो कौन है जो सच्चे दिल से इनकी इनको हेल्प करता है, एंड ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आगे आने वाले जो पल हैं उसमें सही डिसीजन ले सके। कई बार हम अकेले रहते हैं तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि भाई जब ऐसा होगा तो कौन उनके साथ होगा। हो सकता है ये एक प्रैंक भी हो, लेकिन उसके जरिए वो जानना चाहते हैं कि हाँ क्या सच में कोई मुझे मदद करने के लिए आगे आता है या फिर नहीं। चलिए, इस कार्ड में सेवन ऑफ कप्स, डबल सेवन आ गए यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो अंडरस्टैंडिंग आती है वो ये है कि ये पर्सन आपके साथ खुशियों भरे लम्हे तो जीना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी अभी अधूरी हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं आप दोनों कि भाई कहीं पे जाएं, कहीं पे घूम के आएँ, चाहे पहाड़ों का ट्रिप हो या फिर यू नो अगर आपको कुछ एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी, छोटी सी ट्रिप ऑर्गेनाइज करनी, या फिर आपको ढेर सारी बातें करनी, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इकट्ठा बैठ के साथ में कर सकते हो लेकिन फ़िलहाल कर नहीं पा रहे हो या फिर कर नहीं रहे हो, तो वो एक इशू है। इसलिए पर्सन चाहता है कि जल्द से जल्द आप उन चीज़ों को अंजाम दें। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शुरुआत तो नहीं है, लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन जो है ये जो रिश्ता है वो बहुत आगे चला गया है, यानी कि अगर आप चाहते हैं इनसे कोई बात करना तो अपने दिल से बात कर सकते हैं। यानी कि ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करता है कि अब आप ही हैं जो इनको बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि अगर ये नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए गए तो इनके नेक्स्ट स्टेप आपको भारी पड़ सकती है कि भाई प्लान यहाँ वहाँ का नहीं, चलो शिमला का बनाते हैं या फिर यू नो कि लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ें शायद बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकी तरफ से, लेकिन अब ये जानना चाहते हैं आप इनको किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं कि आपके दिल में एग्जैक्टली क्या है, क्या आप चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं या फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, ये वो जानना चाहते हैं। अगला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये है रिवर्स में। तो इमोशंस की अगर हम बात करें तो फिलहाल ये व्यक्ति इतना इमोशनल नहीं हो रहा है, उसके पीछे कुछ वजह है। ये व्यक्ति अपने दिल को तकलीफ नहीं देना चाहता, शायद इस पर्सन ने अपने किसी फ्रेंड को डिस्टर्ब होते हो या डिस्ट्रॉय होते हुए भी देखा होगा। ठीक है, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी के ऊपर आँख बंद करके भरोसा करते हैं एंड बाद में पछताते हैं, ये उन लोगों में से बनना नहीं चाहते। इसलिए वो चाहते हैं कि भाई आपका जो स्वरूप है वो इनके सामने आ जाए, फाइनली ये डिसीजन लेंगे बेस्ड ऑन सो मेनी थिंग्स, इनके दोस्त क्या कहते हैं, इनको क्या लगता है, आप किस तरह से बिहेव करते हैं, उसके बाद ही वो कोई डिसीजन ले लेंगे। वी गॉट द हायरोफंट स्ट्रेट ओवर हियर, तो इसका मतलब ये है कि टॉरस का साइन ही है कि भाई ये पर्सन आप किसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एंड जो वो चाहते हैं आपके थ्रू आपके ज़रिए वो ये है कि आप इनको हमेशा के लिए सपोर्ट करें एंड ये भी आपको सपोर्ट करे। शायद फ्यूचरिस्टिक बात है, इन फ्यूचर में ये आपके साथ एक घर बसाना भी चाहते हैं। और अगर आप एक सिर्फ बहुत ही अच्छा या हेल्दी रिश्ता चाहते हैं,
कि जहाँ पे आप किसी भी तरह की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ना रोमांस की बात कर रहे हैं ना शादी की बात कर रहे हैं, जस्ट कि भी वी आर टुगेदर, हम दोनों साथ में, दैट्स इट। तो इसके लिए भी ये पर्सन बिल्कुल रेडी है बिना किसी हिचकिचाहट के। नेक्स्ट इज टेन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी एंड एक्वेरियस। ये कम्युनिकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंड कई बार अगर आपके रिश्ते में ऐसे कुछ मोमेंट्स आ चुके हैं या फिर आ रहे हैं जहाँ पे अब नेक्स्ट क्या है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये पल आ गया आपके रिश्ते में कि आपको कोई डिसीजन लेना होगा। कोई व्यक्ति किसी का एक्स यू ही नहीं बनता, या तो उनके ज़िंदगी में अब कहने के लिए, बात करने के लिए कुछ रहता नहीं, या फिर जो स्टेप लेना है वो लेते नहीं। उसी को कहते हैं एक्स होना। जैसे कि मान लो आप किसी कंपनी में जा रहे हो, आपको लगा कि अब मेरी ग्रोथ यहाँ पे नहीं हो रही है, अब या तो आप एक्सपेक्ट करते हो कंपनी आपको ग्रोथ दे, आप उस कंपनी से बाहर निकलते हो। बिल्कुल सेम यहाँ पे हो रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई बात है, तो या तो आप इनको समझाएं, इनके साथ आगे बढ़े, या फिर आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है, सो जो भी कार्ड के मैसेजेस आ रहे हैं आपसे अगर कनेक्टेड है तो भी आप उसे ले सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इनके हिसाब से चीज़ें सही हो सकती हैं, होने वाली भी हैं, लेकिन ये जो रास्ता चुनेंगे चाहे वो उबड़ खाबड़ी क्यों ना हो, क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे या नहीं। हाँ, हर व्यक्ति की एक बातचीत होती है, यानी कि भाई आपको ये पसंद है, क्यों पसंद है, ये आपका अपना कनेक्शन है। लेकिन ऐसे में अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं जो आपके लिए टफ साबित होता है आने वाले फ्यूचर में, क्या तब भी आप इनका सपोर्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ बार बार करते हैं, तो आप इनको बताइए कि ऐसा क्या है जो इनको सपोर्ट करता है या फिर नहीं। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है एस ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। प्यार है, पैशन है यहाँ पे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से इनमें से कुछ लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, और आपने शायद इनको बहुत ज़्यादा अब तक सहा है या फिर इनको हमेशा सपोर्ट किया है, अब शायद आपको नहीं लगता कि आप इनको ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, जिनको भी ये मैसेज मिलेगा, जिनके लिए होगा, वो इसे समझ जाएंगे। अगला जो कार्ड है वो है डेथ और रिबर्थ रिवर्स्ड, एंड वी गॉट दिस रिवर्स, स्कॉर्पियो का साइन ही है। अगर हम इसकी बात करें तो भाई सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है वो अपनी गलती मानने से इनकार कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हैं। ये अपनी ही सिखाए हुए तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि अगर ये पर्सन वही करेंगे जो उनको करना है और आप इसमें शामिल नहीं होना चाहते, तो या तो आप इनके एक्स बनेंगे या फिर ये आपके एक्स बन सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड में मिला है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी एंड एक्वेरियस। कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई यही सही मोमेंट है आगे बढ़ने का, या फिर यही सही मोमेंट है पीछे हटने का, तो आप उसी दिशा में तुरंत डिसीजन ले सकते हो जो आपके लिए सही है, जो आप दोनों के लिए सही हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्रिसमस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। 1, 2 एंड 3, ये कहाँ से कार्ड आ गया। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ कार्ड्स। दैट्स इट, 5 कार्ड मिले हमें, और अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। जो पहला कार्ड है वो है माइंड नीडिंग रेस्ट। अब माइंड नीडिंग रेस्ट का मतलब ये है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं पे हम कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके रिश्ते में शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है, या तो आप उसके हिसाब से कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, या फिर आपका डिसीजन मेकिंग पावर कम पड़ रहा है, यानी कि जहाँ पे निर्णय लेना चाहिए आप वहाँ पे निर्णय नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी चीज़ फलीभूत नहीं हो रही है। वी गॉट द सेकेंड कार्ड जो कि कम्फर्ट जोन। कौन कम्फर्ट जोन में है? अगर आप दोनों ही कम्फर्ट जोन में, मतलब आपका रिश्ता बहुत ही प्यारा फल फूल रहा है, लेकिन कुछ कठिनाई आप दोनों में से कोई अगर फेस कर रहा है अपने ऑफिस में, अपने घर में, तो एक दूसरे को समझाना, जहाँ पे दूसरे की तरक्की हो रही है और एक जो है वो तकलीफ पे है, ऐसे में कंफर्ट जोन नहीं मिलता। राइट डायरेक्शन की सख्त ज़रूरत पड़ सकती है उनको जिनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई दरार आ रही है, जो कि मैंने टैरो में देखा था 2-3 बार। तो वो है कि राइट डायरेक्शन में आप दोनों को जाना होगा। अगर आप सही डिसीजन सही टाइम पे लेते हैं, आपको तकलीफ नहीं होगी। जो फोर्थ कार्ड है वो है गिविंग अप, एंड फाइनल कार्ड है वो है फाइंड योरसेल्फ। आप में से कुछ लोग शायद ये डिसीजन ले सकते हैं, या फिर कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए, या तो ये या फिर आप एक दूजे से जुदा हो सकते हैं।
इस कंडीशन में कि मुझे थोड़ा समय चाहिए अपने आप को एडजस्ट करने में या फिर खुद को समझाने में कि मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे लिए सही है या फिर नहीं। एंड अब देखते हैं फाइनली मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। 1, 2, 3 ओके, तीन कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है माय वर्ड्स एंड एक्शंस आर ऑफ ब्यूटी कंपैशन एंड लव, यानी कि ये जो काम कर रहे हैं ये जो भी बातें करते हैं इसमें प्यार होता है कंपैशन होता है, ऐसा उनका कहना है। अगर यही बात है तो आप दोनों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आई चूज टू नरिश माई सेल्फ एंड एनरिच माई लाइफ एंड आई विल नॉट रिमेन स्टक, आई चूज चेंज। अगर हम चेंज की बात करें तो अगेन वो कनेक्ट होता है हायरोफंट से। अगर हम चेंज की बात करें तो कनेक्ट होता है डेथ से। लेकिन यहाँ पे वही बातें आती है, अगर ये व्यक्ति अपनी बात मनवाने से दूर नहीं जा रहा या फिर कह रहे कि जो मैं कहूँगा जो मैं कहूँगी वही सच है, तो शायद आप दोनों को तकलीफ हो सकती है। तो या तो आप इनको समझाएं या तो फिर ये जो रास्ता कहे उसे अपनाएं। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।